हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू कॉर्नर बाय परवीन। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आजियो के किड्स वियर का हॉल। इसके पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आए, आप देखना चाहें उसे, तो एक बार जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके पहले जो मैंने आजियो का जो हॉल शेयर किया था वो था मेरी बेटी का, यानी कि किड्स बेबी गर्ल्स का हॉल था। और आज का हॉल है मेरी बेटी का, यानी कि बॉयज़ का हॉल होने वाला है। मेरा बेटा 4 साल का है, तो उसके एज के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ जो प्रोडक्ट शेयर करूँगी वो होगा। बहुत ही अच्छे और अफोर्डेबल और क्वालिटी के प्रोडक्ट मैंने आजियो से मंगाए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है वो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हॉल। तो ये है आज का हॉल, ये है मेरी बेटी का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आजियो का है शॉर्ट्स। ये 4-5 to 6 ईयर के एज ग्रुप में मैंने मंगाया है उसके लिए। इसकी MRP 399 है, बट ये मुझे मिला है 120 rupees, ओनली 120 rupees। कैन यू बिलीव, आप इस तरह के शॉर्ट्स लेने जाएंगे मार्केट से तो आप 200-300 अबव ही जाइए, नीचे मत आइए। बट ये आजियो से मैंने मंगाया है। यहाँ पे इलास्टिक है ये वेस्ट पे, साथ ही साथ इस तरह से आपको ये टाई करने के लिए डोरी भी मिल जाती है। वाइट कलर की है ये। एक्चुअली जो इमेज में मुझे ये हल्की हल्की ग्रेज दिख रही थी तो मुझे वही चाहिए था। वाइट तो अच्छा होता ही है, वाइट आप जानते हैं कि मेरा फेवरेट कलर है। लेकिन वो जब मुझे रिसीव हुआ तो ग्रे, तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने रॉन्ग कलर भेज दिया। तो फिर मैंने वापस से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया तो फिर मुझे दिखा कि वहाँ पर वाइट ही मैंशन है। तो फिर मैंने कोई इशू नहीं था तो मैंने रिटर्न नहीं किया इसे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे थोड़ी प्रिंट भी है, तो मुझे बहुत पसंद आई थी इसकी क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस भी था। तो मैंने 3-4 उसके लिए मंगाया था, जिसमें से एक तो मुझे रिसीव नहीं हुई क्योंकि वो शायद उनकी तरफ से कैंसिल हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। वो ब्लू कलर की थी, बाकी रिसीव हुई है। इसकी जो फैब्रिक है ना, जो ट्राउज़र वगैरह की फैब्रिक आती है अच्छी वाली, उस तरह की है, बहुत अच्छी है इसकी क्वालिटी। पीछे की तरफ इस तरह से आपको 2 पॉकेट यहाँ पे मिल जाते हैं, और यहाँ साइड पे भी आपको मिल जाता है पॉकेट। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अफोर्डेबल क्वालिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट भी मैं आपको शॉर्ट ही दिखाऊंगी, वो है सेम जैसे मैंने मंगाया था उसी का है, येलो कलर इसका कलर ऑप्शन है। सेम सब कुछ वही है, फैब्रिक क्वालिटी, एज ग्रुप, यहाँ पे आपको प्रिंट ऐसे दिख जाता है सेम वही। वेस्ट पे आपको इलास्टिक और ये टाई करने के लिए डोरी मिल जाती है, पॉकेट्स वगैरह सब सेम ही है, सेम फैब्रिक भी है। बैक साइड पे भी इस तरह से आपको 2 पॉकेट मिल जाता है, प्राइस भी सेम ही था। बहुत ही ज़्यादा इसमें और भी एज ग्रुप, ज़्यादा एज ग्रुप का है बट प्राइस सेम ही है। मुझे लगता है कि 9 to 10 ईयर के नियर अबाउट भी था इसमें एज का, बट प्राइस सेम था। तो अगर सोचिए, अगर आपका बच्चा बड़ा है 9 या 10 साल का, अगर आपको 120 या 150 तक में अगर इस तरह के शॉर्ट्स मिल जाते हैं तो कितना ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। इसके बाद है एक और, ये बेज कलर का, सेम फैब्रिक, सेम एज ग्रुप, यहाँ पे भी आपको प्रिंट दिख रहा होगा, सब कुछ सेम है। ये भी बहुत अच्छा है, सेम प्राइस का है। एक्चुअली मैंने इसमें से कुछ प्रोडक्ट मैंने मंगाए थे जो कि थोड़ा ऑफ़र कम चल रहा था, बट मुझे लग रहा था कि ऑफ़र अच्छा है, तो उसमें मुझे 1 या 2 इसमें से मुझे 150 का मिला था। और उसके बाद जो मैंने फिर ऑफ़र किया तो फिर जो ऑफ़र था वो ज़्यादा हो चुका था, तो मुझे 120 का मिला। इसमें एक और मैंने मंगाया था जो कि मेरे बेटे ने इस टाइम पहना हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, बाकी सेम सब कुछ वैसा ही है। उसके बाद मैंने मंगाया था उसके लिए ये कुर्ता पजामे का सेट। इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई आपको, ये इन सारा प्रोडक्ट जो है ना, ये टीम स्प्रिट ब्रांड का है, टीम स्प्रिट करके ब्रांड है उसका है ये। ये कुर्ता भी उसी का है। आप देख रहे होंगे मेरे ज़्यादातर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें टैग नहीं होते हैं, कुछ में टैग होते हैं कुछ में नहीं होते हैं। जो जो टैग का ज़्यादा इशू तो कुछ होता नहीं है, तो इस वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरे बच्चे हैं जैसे प्रोडक्ट आता है उन्हें टैग चाहिए होता है, एज अ मोबाइल बना करके वो खेलते हैं, तो प्रोडक्ट आते ही उन्हें चाहिए होता है,
मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो मैं जितना बचा पाती हूँ जिन कपड़ों में उन्हें बचा लेती हूँ, वरना मुझे देना ही पड़ता है। तो मेन तो रिव्यू से मतलब है कि क्वालिटी वगैरह कैसी है कैसी नहीं, देखने में कैसी है, लुक वाइज कैसा है। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, इसकी फैब्रिक कॉटन है, बहुत सारा बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है बट ये बहुत ज़्यादा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। फुल स्लीव की है ये, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे बटन लगा हुआ है ओपन क्लोज करने के लिए, और दोनों तरफ से यहाँ पे पॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों साइड में। येलो कलर में इसमें और भी कलर ऑप्शन थे बट मुझे ये येलो और ये ग्रीन का कॉम्बिनेशन मुझे ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने यही वाला मंगाया। उसके लिए पहनता है तो बहुत प्यारा लगता है। ये भी मुझे 200 समथिंग की रिसीव हुई थी, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल। उसके साथ ये पजामा है, चूड़ीदार पजामा है, इलास्टिक है, और साथ में नॉट करने के लिए आपको इस तरह से ये मिल जाता है डोरी, ये भी इस तरह से फुल आपको मिल जाती है। चूड़ीदार पजामी है, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, ये भी कॉटन फैब्रिक में है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और अफोर्डेबल, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इसके बाद मैंने मंगाया था उसके लिए ट्राउज़र, ये भी सेम टेम स्प्रिट ही ब्रांड का है, ये देखिए टैग गायब है और उसकी ये वाला जो पार्ट है ये इसमें लगा हुआ है। तो ये है नेवी ब्लू कलर की ट्राउज़र, 5 to 6 ईयर का एज ग्रुप का मैंने मंगाया था, तो उसे थोड़ी बड़ी आती है ये अभी, लेकिन बड़ी मैंने रिटर्न नहीं किया क्योंकि फिर ज़रूरत पड़ेगी, बच्चे इतने जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो पॉकेट है, और यहाँ पे साइड में जैसे कार्गो पैंट होती है ना उस तरह, यहाँ पे साइड में भी पॉकेट है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ डिटेलिंग दी गई है, नी के पास ऐसे स्टिचिंग बनाई गई है थ्रेड से, केवल फ्रंट पे ही है बाकी नीचे प्लेन है। ये ट्राउज़र बहुत प्यारा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल था, 220 या 230 की है ये, इतने में तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल। मैंने दो मंगाया था उसके लिए, एक ये नेवी ब्लू कलर की, और उसके बाद है एक ये डार्क ग्रे, आप कह सकते हैं चारकोल ब्लैक वैसी है, बहुत प्यारा लगा मुझे ये भी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये भी टीन स्प्रिट ब्रांड की है, 5 to 6 ईयर की एज ग्रुप की। फैब्रिक इसकी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से थोड़ी सी डिटेलिंग दी गई है, यहाँ पे छोटी वाली पॉकेट है, यहाँ पे ये पॉकेट है, जिप लगी हुई है, इधर भी पॉकेट है, और बैक साइड में भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दो पॉकेट बनी हुई है, और बाकी ये पूरी प्लेन है, जैसे कि उस वाले पैंट में आपने देखा कि वहाँ पे साइड में पॉकेट भी लगी हुई थी और डिटेलिंग भी थी, बट इसमें वैसा कुछ नहीं है, ये पूरी प्लेन है, बस यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग है। ये भी उसे बड़ी आती है, 5 to 6 ईयर की एज ग्रुप की मैंने मंगाई है, बहुत ही ज़्यादा, ये भी सेम प्राइस की थी, 220 या 230 की, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अफोर्डेबल, और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी। तो आज का था ये हॉल जो कि था आजियो का बॉयज़ का हॉल था, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और कंफर्टेबल, फैब्रिक वगैरह क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। आप लेना चाहें तो सारे के प्रोडक्ट्स के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये जो मैंने इयररिंग वियर किया हुआ है ये मैंने मीशो से लिया था, बैंगल मीशो, और ये जो कुर्ता है ये मैंने जबोंग से लिया था, तो इसका लिंक आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी ये जो ज्वेलरी है उसको आप अगर आपको पसंद आता है आप लेना चाहते हैं तो वो आपको मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।